हेलो फ्रेंड, आज हम आपके लिए लाए हैं पुलम, सेब, खुमानी, जो अन्य सारे जितने भी हमारे नए पौधे हैं उनके कैसे हम प्रूनिंग करें। ये देखिए, जैसे कि एक भाई साहब ने हमसे पूछा था कि छोटे प्लांटों के जो है छटाई बताएं, तो ये हमारा एक वर्षीय जो है पुलम का पौधा है। तो हमने इस पर देखना है कि हमें पौधा कैसा बनाना है। तो देखिए, हमारा एक वर्षीय था तो हमने इस पर 1.5 फुट की दूराई पर जो है टहनियाँ कट की, और जो बीमार टहनियाँ हैं उनको अलग कर लीजिएगा, और जहाँ पर ज़्यादा टहनियाँ हैं आपको लगता है कि ये पेड़ की शोभा बिगाड़ेगा तो उसको आप कट कर लेना। ये देखिए, देखिए ये पेड़ था, तो इस पर जो है ज़्यादा शक्कर कह सकते हैं हम, नई टहनियाँ बहुत ज़्यादा निकली, शक्कर वो अन्य चीज़ें निकली थी, तो हमने उनको कट किया। और पौधे को नया स्वरूप देना है हमने, जैसे हमने फर्स्ट छटाई में जैसे करेंगे वैसे ही उस पर उस पेड़ का आकार बनेगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर जरूर करें। ये देखिए, तो हमें पेड़ को एक गोलाकार में देना है, और जो उसकी अनगिनत शाखाएं हैं उनको कट करना है। ये सब हमारे एक वर्षीय पौधे हैं। ये देखिए, हमारा ये पौधा इस प्रकार का बन चुका है। ये तो हमें इन्हें अलग आकार देना है। तो इसकी ग्रोथ अच्छी चली तो ये पौधा अगले साल कुछ अच्छे स्वरूप में आ जाएगा, और फल के बट हल्के फुल्के बचा लें। और सेब में हमें क्या ध्यान देना है, और आप जानते हैं सेब में छटाई कैसे करें। ये हमारे पुराने पौधे हैं, तो जो हमारा ये 2 साल ये 3 साल का पौधा है, तो हमने देखिए इसमें नई शाखा है, ये हमें कट कर लेने हैं क्योंकि ये नीचे को अगले वर्ष फल के बड बनाएगा। देखो फल का बड, और जिसमें जो अनगिनत टहनियाँ जो सट रही है एक दूसरे को टकरा रही है उनको हम कट कर लेंगे। फिर आता है पेड़ को हम आकार कैसे देंगे। यहाँ देखिए, जहाँ पे जो है ये सूख रहा है तो हम इसे यहाँ से कट कर लेंगे। जहाँ पर रिंग बना होगा तो आपने जो है रिंग पर काटना सेब में, कि अगर हम रिंग पर काटते हैं तो रिंग पे काटने से जो है उसकी ग्रोथ में असर पड़ता है, और उसमें फल के बड बनना शुरू हो जाएंगे। कुछ इस बार बढ़ेंगे और अगले बार देखोगे तो आप ये देखिए, तो हमें रिंग से कट करना है। ये ध्यान दीजिएगा सेम में, अगर आप अन्य में भी करते हो तो उसका आप असर देखोगे कि हमारे फल के बट बनना शुरू हो जाते हैं। टहनी थोड़ी बीमार है तो हम उसको कट कर लेंगे, बीमारी को तो हमें दूर करना है। ये हमारा 3 साल का, और ये हमारा 2 साल का पौधा है। इस पर हमें वही छड़ाई इस्तेमाल करनी है, रिंग के वहाँ से कट करना है। देखिए यहाँ पर हम ये बीमार शाखा है तो हम इसे निकाल लेंगे, ऊपर बीमारी है तो यहाँ पर रिंग बनाया है, हम रिंग पर कट कर रहे हैं ताकि हमें फल जड़ की तरफ दे ना कि बहुत दूर। अब छटाई में दिन पर दिन जो है परिवर्तन आते रहा। ये देखिए, और हम इसको यहाँ से कट करें, यहाँ पर रिंग देख रहे हैं, तो हमें जो है ऐसे जो है अपने नए पौधों की छटाई करनी है। ये उली ऑफिस भी आने लग गया है, तो हम इस पर स्प्रे भी करेंगे, उसका भी हम आपको वीडियो जरूर शेयर करेंगे कि उली ऑफिस में हमें कौन सी दवा
यूज़ करनी है। और उसके बाद हम आपको बताएंगे खुमानी में हम कैसे करें। खुमानी का जो हमने नया पौधा लगा रखा है, ये हमारा 5 साल पुराना पौधा है, तो हमने इसको झाड़ीनुमा से हटाना है। और फल को रखते हुए कुछ नई शाखाएं रखनी हमने, क्योंकि हम नई शाखा रखेंगे तो उसकी क्या है ग्रोथिंग बढ़ेगी और वो अच्छे आकार में आएगा। ये हमारा पुराना 5 साल का पौधा, ये हमारा जो है 2-3 साल का पौधा है, 2-3 साल का पौधा है। तो हमें इस पे क्या करना है, जितनी भी जो उस पे इकट्ठा है जहाँ पे टहनियाँ, उनको हमें कम से कम करना है, बीमार शाखा को बिल्कुल किनारे कर देना है हमें, बगीचे से ही, पेड़ से दूर तो करना है बगीचे से भी कर देना है। और थावला बनाते समय पेड़ का जो ध्यान दें, क्योंकि नया पौधा होता है और वो ग्राफ दबने का जो है डर रहता है। ये देखिए बड़े आराम से हो जाती है, हमें अनगिनत शाखाओं को निकाल के उसको एक नया स्वरूप देना होता है। अब थैंक यू वीडियो पूरा देखने के लिए।